ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों को मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। मेरी पिछली वीडियो जो ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखने से क्या चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में, इस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। मेरी उस वीडियो के व्यूज़ ओनली 20 आवर्स में 950 के ऊपर हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप सभी लोगों ने मेरी उस वीडियो को बहुत लाइक किया और काफ़ी जो अननोन पर्सन थे उन्होंने भी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सभी लोगों को रियली दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक और कमेंट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट से मैं काफ़ी मोटिवेट फील करती हूँ, इसलिए आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो ओम नमः शिवाय मंत्र के ऊपर लाई हूँ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें ओम नमः शिवाय मंत्र को कैसे लिखना चाहिए या सही विधि इस मंत्र को लिखने की क्या है। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ओम नमः शिवाय मंत्र को आप कहीं भी लिख सकते हैं, घर में, ऑफिस में या आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं उधर भी इस मंत्र को लिख सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस मंत्र को लिखना हमें कब से स्टार्ट करना चाहिए। आप किसी भी सोमवार के दिन इस मंत्र को लिखना शुरू कर सकते हैं। अब आप सभी पूछेंगे कि हमें कितनी बार यह मंत्र को लिखना होगा, तो आप प्रतिदिन 108 बार यह मंत्र लिखेंगे। आपके पास जो भी न्यू डायरी हो या नए रजिस्टर हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसी डायरी में प्रतिदिन 108 बार यह मंत्र लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप जिस किसी डायरी या रजिस्टर में यह मंत्र लिखना शुरू करेंगे तो उसमें आपको किसी अदर चीज़ को नहीं लिखना है, ओनली इसमें प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र को ही लिखना है। बाकी की कोई भी चीज़ को इस डायरी में ना ही आगे लिखना है और ना ही इसके पीछे लिखना है। इस बात का खास ध्यान रखना है और आपको एक विशेष तौर पर इस डायरी में से एक भी पेज को नहीं फाड़ना है। देखिए, जब भी हम कोई भी मंत्र को लिखते हैं तो फुल आदर और रिस्पेक्ट के साथ लिखते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही शुद्ध और पवित्र है, इसलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और आपको इस मंत्र को लिखने टाइम पर एक बात और याद रखनी होगी। वैसे तो आप ये मंत्र कभी भी लिख सकते हैं, बट आपको नहाने के बाद, स्वच्छ हो जाने के बाद ही इस ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखना है। ये नहीं कि आप सोकर उठें और बिना नहाए धोए ही इस पवित्र मंत्र को लिखने लगे। ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। जब आप स्नान आदि कर लें, भोजन खा लें, फिर उसके बाद आप कभी भी इस मंत्र को लिख सकते हैं, चाहे दिन में, दोपहर में, रात में, कभी भी जब आपके पास टाइम मिले। और प्लीज़ एक बात को ज़रूर फॉलो करना है, इस मंत्र को लिखने टाइम पर हमें शूज या स्लीपर पहनकर इस मंत्र को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि इस मंत्र को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही साथ भगवान शिव जी का वास भी इस मंत्र के अंदर माना जाता है। जैसे हम हाथ में माला लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करते हैं, तब भी हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखकर ये मंत्र जाप करना होता है। उसी प्रकार से इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार लिखने टाइम पर भी हमें ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको फॉलो करना है। और आज से ही आप लोग ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखना शुरू करें। आप सभी लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में खुद की डायरी दिखाऊंगी कि मैं कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र को लिखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।